फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी सपोर्ट बॉय यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप टॉम कॉमेडी वीडियो जो होती है वो आप कैसे बना सकते हो अपने मोबाइल से, वो भी काइन मास्टर से। तो सबसे पहले यहाँ पर काइन मास्टर ओपन करना है। अगर आपको नहीं पता काइन मास्टर क्या है क्या नहीं है, तो उसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ पर जितने भी इमेजेस या फिर जिस भी चीज़ का मैं यूज करने वाला हूँ, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर 16:9 वाला जो रेशियो है यहाँ पर आपको इसको क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको मीडिया के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले तो बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको बैकग्राउंड अच्छा लगे यहाँ पर आप वो बैकग्राउंड ले सकते हो। या फिर आप अपनी गैलरी से भी कोई भी बैकग्राउंड आप ऐड कर सकते हो अगर ऐड करना चाहो तो। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये वाला मैंने बैकग्राउंड ऐड कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर अब आपको मिल जाएगा लेयर, लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपको मीडिया पर जा करके अपना वही वीडियो सिलेक्ट कर लेना, मतलब सॉरी वीडियो नहीं, यहाँ पर आपको एक पहले फोटो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे टॉम का वीडियो आप बना रहे हो फनी वाला, तो वहाँ पर आप कोट पैंट पर अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको वो फोटो लेना होगा। तो चलिए मैं कोट पैंट का अपना एक फोटो ले लेता हूँ यहाँ पर, जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देख लेता हूँ मैंने कहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो डाउनलोड फाइल्स के अंदर आऊँगा मैं और यहाँ पर देख लेता हूँ। तो अभी आपको मैं बता दूँ तो ये वाला मेरा फोटो है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस तरीके का अगर आपको वीडियो बनाना तो कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये तो आ चुका है। और उसके बाद अभी हमें यहाँ पे फेस लाना, तो यहाँ पर फिर से मैं वही करूँगा, लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर मीडिया पे आऊँगा। मीडिया पर आने के बाद फिर से मैं वहीं डाउनलोड के सेक्शन पर जा करके देखूँगा जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है वो कहाँ पर है। तो फटाफट से मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये मैंने ऐड कर लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको वो हिस्सा हटा देना है। यहाँ पर आप देखोगे आगे साइड में जो कि कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पर स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन नहीं है, तो आप आगे का हिस्सा जो कि आप हटा दीजिएगा। यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो ये है, तो यहाँ से अभी हम इसे कट कर देंगे इस तरीके से पूरा ग्रीन स्क्रीन लेकर के। और फिर इसको फुल यहाँ पर कर लेंगे, स्टार्टिंग से लगा लेंगे और फिर इसको जो कि फुल स्क्रीन में इस तरीके से करने के बाद फिर इसको क्रोमा की कर देंगे। यहाँ पर क्रोमा की के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर हम यहाँ पे इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पर अभी आपको ग्रीन स्क्रीन लेना होगा। मेरा ऑटोमेटिक ये पता नहीं ऑरेंज कलर क्यों ले लेता है। आपका अगर ग्रीन स्क्रीन लेता है तो ठीक है ग्रीन कलर, अगर नहीं लेते तो आप मैनुअली ग्रीन स्क्रीन यहाँ पे कर लीजिएगा ग्रीन कलर। तो यहाँ पर जैसे आप ग्रीन कलर कर लेते हो तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने ग्रीन कलर कर दिया इसका और उसके बाद यहाँ पर इसको भी देख लेता हूँ इस तरीके से, फिर टिक। और फिर यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन से आप आराम से आप जो कि इसे अपने हिसाब से इसका जो बैकग्राउंड होता है वो रिमूव कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा इस तरीके से रिमूव कर लेता हूँ, अभी हो चुका है। और फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसी के ऊपर क्लिक कर देना है इस तरीके से। और क्लिक करने के बाद इसके फेस के ऊपर आपको जो अच्छे से आपको इसे एडजस्ट कर लेना है, जो आपको कोट पैंट रहेगा या फिर जो भी आपने ले रखा है इमेज उसके ऊपर आपको अच्छे से इसको एडजस्ट करना होगा। अगर आपको थोड़ा इस तरीके से चाहिए बड़े फेस में तो बड़ा फेस भी आप ले सकते हो, यहाँ पर थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे फोटो को और यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मैंने कंप्लीट इसको बना दिया। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप इसमें कुछ बोलना चाहते हो तो यहाँ पर वॉइस के ऊपर क्लिक करने के बाद स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और फिर बोलिए। अभी चलिए मैं बोल के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर जाना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ आपको मैंने बोल के दिखाया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये देख सकते हो यहाँ पर ये लास्ट में। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इससे आप वॉइस चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा वॉइस चेंजर, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके ऊपर मत क्लिक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें वॉइस चेंज करना है। तो यहाँ पर वॉइस चेंज करने के बाद फिर यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा वॉइस आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर जाना। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ये वाली जो मैंने अभी साउंड लिया है, जो अभी मैंने वॉइस चेंज किया, तो इसी वॉइस में रखना है ताकि ये टॉम से थोड़ा मैच होती रहेगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा लंबा बोलेगा, तो अभी मैंने यहाँ तक बोला। तो अभी मान लीजिए जैसे कि मुझे इतना बड़ा चाहिए वीडियो, तो यहाँ पर मैं इसको कैंची पर क्लिक करने के बाद इसका पीछे का जो हिस्सा है वो कट कर दूंगा। यहाँ पर आपको सिर्फ बैकग्राउंड का कट करना है, बैकग्राउंड का कट करोगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इतनी बड़ी एक वीडियो बना के रख ली है। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल मैंने दिया है कितना इस तरीके से बना सकते हो, तो इसी में आप बड़ी वीडियो भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर इसके ऊपर अपनी उसी वीडियो के ऊपर। फिर यहाँ पर शेयर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।